एवरीवन, आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा, कंसल्टेंट फिजिशियन एट अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल। एंड आज हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर के बारे में। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस सीज़न में स्पेशली वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड ये समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हमें कौन से तरीके का वायरल फीवर हुआ है, इसका क्या इलाज करना है, डॉक्टर से कब मिलना है, क्या टेस्ट करवाने हैं। तो काफ़ी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न हमारे अंदर रहता है कि हम इसका इलाज कैसे करें। आम आदमी स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान होता है वायरल फीवर के केस में। तो वायरल फीवर होता क्या है? वायरल फीवर का मतलब है ऐसा कोई भी बुखार या कोई भी इन्फेक्शन जो आपको वायरस की वजह से हुआ है, वो वायरल फीवर की कैटेगरी में आता है। और बहुत सारी वजह उसकी हो सकती हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कॉमनली इस सीज़न में, तो डेंगी फीवर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है राजस्थान में, पूरे इंडिया में बल्कि। एंड चिकनगुनिया है, वायरल फीवर है। इसके अलावा जो दूसरे तरीके के फीवर हैं, लाइक मलेरिया है, टाइफाइड है, दूसरे वायरल फीवर लाइक कोविड है, H1N1 स्वाइन फ्लू है, ये सब भी वायरल फीवर की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इन सब में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो हम ये जानें कि वायरल फीवर के लक्षण क्या होते हैं। अगर हम लक्षण की बात करें तो बहुत तेज़ बुखार भी आ सकता है या हल्का बुखार भी आ सकता है। वायरल फीवर के अलावा आपको खांसी जुखाम हो सकता है, बॉडी में सीवियर पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, पेट में दुखन फील हो सकती है, नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो हेडेक काफ़ी सीवियरली स्पेशली डेंगी फीवर में देखने को मिलता है। चिकनगुनिया की बात करें तो जॉइंट पेन काफ़ी सीवियरली देखने को मिलता है। तो बहुत तरीके के सिम्टम्स फीवर के साथ आपकी बॉडी में हो सकते हैं। तो ऐसे केस में ये जानना मुश्किल हो जाता है कि आपको कौन से तरीके का वायरल फीवर हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो है कि आपका जो फीवर है वो यूजुअली 2 से 3 दिन या 4 दिन तक बॉडी में रहता है, एंड उसके बाद फीवर कम हो जाता है अपने आप। कुछ केसेस में अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो वो लंबे समय तक रह सकता है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है या पहले से आपको कोई बीमारी है, लाइक डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, गठिया है, या कोई भी क्रोनिक इलनेस है, तो ऐसे केसेस में वायरल फीवर आपकी बॉडी को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं और उनका कॉम्प्लिकेशन और जो उनका ड्यूरेशन है वो भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले फीवर होने की वजह से हमें पैनिक में नहीं आना है, क्योंकि जितना हम स्ट्रेस में आएंगे उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा वीक होगा, एंड आपका फीवर वो ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो घबराएं नहीं, अपने फीवर को कंट्रोल करें। जो सिंपल मेडिसिन जो आती हैं, पैरासीटामोल, वो आप ले सकते हैं। 3 दिन तक फीवर हाई ग्रेड रहने की संभावना हो सकती है, खासकर की डेंगू में। तो ऐसे केसेस में जितना हो सके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना आने दें। जी हाँ, आप लिक्विड डाइट पर रहें, खाने में कम से कम खाना खाएं, हल्का खाना लें, सिंपल दाल का पानी, खिचड़ी, फल या फलों का जूस आप ले सकते हैं। साथ में जितनी भी हैवी चीज़ें हैं, जो हैवी मील हैं, वो आपको अवॉइड करना है। क्योंकि अगर हम हैवी खाना खाते हैं तो क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, हमारा डाइजेशन किसी भी वायरल फीवर की वजह से वीक हो जाता है, तो आपके एब्डोमेन के सिम्टम्स एड ऑन हो सकते हैं। लाइक आपको नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, सीवियर पेन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जितना आप लिक्विड डाइट लेंगे, जितना सॉफ्ट डाइट लेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये घर पे आप सिंपली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फीवर हाई ग्रेड है, यानी मेडिसिन लेने से भी नहीं उतर रहा है, बार बार रिकरेंस आ रहा है, हर 6 घंटे में रिपीट हो रहा है, तो ये लक्षण डेंगू फीवर के हो सकते हैं। ये लक्षण कोविड फीवर में भी देखने को मिलते हैं। ये लक्षण टाइफाइड फीवर या मलेरिया में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका फीवर 3 दिन में नहीं उतरता है, या ज़्यादा फीवर आ रहा है, या उसकी वजह से आपको सीवियर बॉडी में पेन है, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, और ये जानें कि आपको जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है वो किस लेवल पर है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने जो डॉक्टर हैं उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जितना लेट हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उतने ही कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो प्लीज़ फॉलो करें, जानें, समझें कि आपको तकलीफ किस लेवल पे है,
घर में जो आप चीज़ें कर सकते हैं, डाइट को हल्का रख सकते हैं, पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, लेकिन खुद ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके, एंटीबायोटिक्स लेके उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। जैसा कि मैंने बताया, वायरल फीवर वायरस से होते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई खास रोल नहीं होता है। तो प्लीज़ ओवर द काउंटर अपनी दवाई खुद ना लें, एंटीबायोटिक लेके खुद की बॉडी में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरल फीवर में प्रिस्क्राइब करने की कुछ और वजह होती हैं। अगर आपकी बॉडी में सेकेंडरी इन्फेक्शन सेट इन हो गया है तो डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब यू एंटीबायोटिक्स, बट प्लीज खुद अपना ट्रीटमेंट ना लें। इन केस अगर आपको वायरल फीवर में कोई और भी तकलीफें हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें। अगर जैसे डेंगी है, उसमें प्लेटलेट कम होने की संभावना रहती है आफ्टर 4 डेज, जब फीवर फेब्राइल फेज कंप्लीट होता है, तो अपने सीबीसी करवाएं। प्लेटलेट कम है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, तो इमीजिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका फीवर 104, 105, 103 की रेंज में है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बट पैनिक में ना आके लॉजिकली एक्ट करें एंड बेसिक कंप्लीट रिलैक्स करें। अगर आपकी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी आप ज़्यादा करते हैं, तो वायरल फीवर का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो वायरल फीवर में बॉडी को कंप्लीट रेस्ट चाहिए, तो जितना हो सके रिलैक्स मोड में रहें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स या जिम ना करें, एंड इस तरह से आप उसके इफेक्ट को अपनी बॉडी में कम कर सकते हैं। जो भी आपके घर पे मौजूद मेडिसिंस हैं या जो हर्ब्स हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी, अगर आपको खांसी जुकाम है तो उसका इलाज अलग तरीके से होता है। अगर आपको सिर्फ फीवर है तो उस वायरल फीवर का इलाज अलग तरीके से होता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है वायरल फीवर को लेके, तो आप पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। ये वायरल फीवर कौन-कौन सी वजह से हो सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, वायरल फीवर की मल्टीपल वजह हो सकती हैं। वायरल फीवर डेंगी हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, फ्लू वायरस हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, कोविड निमोनिया हो सकता है। तो मल्टीपल तरीके के फीवर और उसके अलग अलग तरीके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है। तो इसलिए आपके सिम्टम्स के आधार पर, अगर वो ज़्यादा सीवियर हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर वायरल फीवर होता है तो उससे कैसे बचाव करें? जी देखिए, अगर वायरल फीवर, पहली बात तो वायरल फीवर किसी भी वजह से फैल सकता है। आप जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आने से, इन्हेलेशन की वजह से फैल सकता है। कई वायरल फीवर खाने से भी फैलते हैं, कहीं वायरल फीवर जैसे डेंगी है, चिकनगुनिया है, ये मॉस्किटो बाइट से भी फैलते हैं, लाइक मलेरिया। तो स्पेशली विंटर सीजन में या फिर रेनी सीजन, जो इस समय ऑटम सीजन चल रहा है, इस समय अपने आप को कंप्लीट कवर करके रखें, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनके कॉन्टेक्ट में कम से कम आए, स्पेशली जो फ्लू वायरस हैं या कोल्ड कोविड फीवर है या कोल्ड या सिंपल सीजनल फ्लू होता है, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो एक्सपोजर से बचें, जो भी पेशेंट हैं उनको आइसोलेट करें एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली इमिजिएटली स्टार्ट करें। फीवर होने की कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में कब भर्ती करना है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। फीवर में हॉस्पिटल में एडमिशन ये कैसे डिसाइड करें? देखिए, अधिकतर फीवर जो होते हैं, आई वुड से 80-90% केसेस में या मोर देन डेट, ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। मतलब 3-4 दिन का साइकिल होता है, उसके बाद ये खुद अपने आप ठीक हो जाते हैं, अगर आप प्रॉपर पानी पीते हैं, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं या प्रॉपर मेडिकेशन आपने लिया है तो। बट इन केस अगर आपका फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड है, 104, 105 की रेंज में आ रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है जो कि निमोनिया में कन्वर्ट हो चुका है, या फिर आपको शरीर में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है जैसे डेंगू फीवर के केसेस में होता है, जो भी सीवियर कॉम्प्लिकेशन जिसको आप घर पर मैनेज नहीं कर सकते, उन सब केसेस में आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इट्स ए कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट जो कि आप घर पर पॉसिबल नहीं है, विच रिक्वायर मल्टीपल थिंग, लाइक आपको आईवी फ्लूड देना होता है, एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल देना होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है। कोविड के केसेस में जैसा कि हमने देखा था कि ऑक्सीजन लेवल अगर शरीर में कम होता है, अगर आपका सेचुरेशन लेवल 92 के नीचे जाता है, तो ये सारे इंडिकेशन बनते हैं जब आपको प्रॉपर गाइडेंस अंडर डॉक्टर एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंट का क्वेश्चन है कि डेंगू होने की कंडीशन में जब प्लेटलेट्स घटती हैं तो उस वक्त क्या करें? जी देखिए, डेंगू में जो साइकिल होता है वो 7 दिन का होता है,
पहले 4 दिन आपको फीवर आता है और आमतौर पर उसके बाद प्लेटलेट घटना शुरू होता है, जो कि 7वें दिन या 8वें दिन तक ड्रॉप होता है, उसके बाद नेचुरली राइज करना शुरू करता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर आपको पहले से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या आपका इम्यून सिस्टम वीक है, या पहले से ही प्लेटलेट काउंट कम है, या आपको फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड आया है, ऐसे केसेस में प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा नीचे तक जा सकता है। जिसे हम बोलते हैं कि अगर आपका प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम है तो खतरा है, अगर आपका प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है या 30,000 से कम है तो डेफिनेटली आपको एडमिट होना है, क्योंकि ऐसे केसेस में कभी भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, और अगर हमने उसका मैनेजमेंट नहीं किया तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, क्योंकि आपका जो प्लेटलेट है वो खून का थक्का जमाने में हेल्प करती है। तो अगर खून का थक्का नहीं जम पाएगा तो फिर वो ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कुछ मेडिकेशन जो ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं वो मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं। तो ऐसे केसेस में नेचुरली कुछ मेडिसिन हैं जो कि हेल्प करती हैं, जो हम आजकल बात करते हैं पपाया जूस की लीव्स, वो सब भी कुछ कुछ हद तक हेल्प करती हैं। लेकिन आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो जितना जल्दी अगर आपको पता चले, उतना जल्दी अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो प्लेटलेट काउंट ज़्यादा नहीं घटेगा, और घटता भी है तो पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट 50,000 के ऊपर है तो आप सेफ हैं, आप इसको घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लेटलेट काउंट 50,000 से नीचे है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और आपका सीवियरिटी के आधार पर, आपके लक्षण के आधार पर उसका मैनेजमेंट आप घर पर या अस्पताल में कर सकते हैं। जी, आजकल ओवर द काउंटर बेसिक लैब टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। आप CBC जो हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट का जो टेस्ट होता है वो सिंपल टेस्ट करवा के देख सकते हैं। CRP का टेस्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपका इन्फेक्शन किस लेवल पर है। इसके अलावा डेंगू में 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक NS1 एंटीजन जो कि शुरू के 3 दिन में या 4 दिन में बॉडी में मौजूद होता है, एंड उसके बाद जब बॉडी में उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है या बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती हैं तो IgM एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डेवलप हो सकती है, जिसका टेस्ट 4 से 7वें दिन तक पॉजिटिव आता है। तो डेंगू के टेस्ट में हम ये सब टेस्ट CBC के अलावा करवा के पहले ही दिन बल्कि पता कर सकते हैं कि आपको डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा बाकी भी टेस्ट, जैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कोविड टेस्ट कर सकते हैं, आप टाइफाइड का टेस्ट करके देख सकते हैं अगर आपका फीवर 4 दिन से ज़्यादा आ रहा है, मलेरिया इस समय फैलता है वो भी मॉस्किटो बाइट की वजह से ही होता है, उसका भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आई विल लव टू आंसर। स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।